वहीं बुरहानपुर में वन विभाग ने वन्य प्राणियों की कीमती अवशेष के साथ एक आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर उसके घर से एक बंदर की खोपड़ी, मोर की कलंगी, कछुए के अवशेष मिले। हालांकि आरोपी ने वन्य जीव के शिकार करने से इनकार किया है। ये बंदर की खोपड़ी दीवार नाली में मिली थी। ये कुछ ढोर बकरी बीमार गिरती थी, उसमें धुनी लगाने की ऐसे मिले हुए थे। ये तो अपन मोल लिए थे, नहीं तो ये मिले हुए थे मरे हुए मिले लोगों का। सुगुप्त सूचना मिली थी कि सामरपुरा गांव जो है उसमें किसी एक व्यक्ति के पास में वन्य प्राणी के अवशेष रखे उसके घर में, और उसमें नाम बताया था सुनील महासिंह का। तो उसके बाद में सर्च वारंट जारी कराया गया एसडीओ साहब से, और घर की जब तलाशी ली गई तो सुनील महासिंह तो नहीं मिले, लेकिन उनके पिता ये थे, उनके पास में से वन्य प्राणी अवशेष तलाशी के दौरान जब्त हुए। इनका बयान वगैरह भी लिया गया है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण इसका दर्ज किया गया है, और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।